नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मुरादाबाद में मूंझा पांडे की ग्राम पंचायत वीरपुर बरियार में प्रधान पद के लिए जहां महफूज अली काफी मजबूती के साथ प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे और गांव के लोगों का भी मानना था कि महफूज अली इस बार गाँव का प्रधानी का चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन इस बार गांव के प्रधानी के चुनाव मैदान में गोल्ड मेडलिस्ट अपनी दी हुई सेवाओं के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति भारत रत्न अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले समाज सेवी डॉक्टर इब्राहिम ने गांव के प्रधानी के चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक के यहां होने वाले प्रधानी के चुनाव को एक कड़े मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ के वोटर भी मानते हैं कि गांव में इस बार डॉक्टर इब्राहिम के चुनाव मैदान में आने से गांव वालों को खुशी है कि इतना पढ़ा लिखा समझदार लोगों के दुख दर्द को समझने वाला अगर गांव का प्रधान बन जाए तो हमारे गांव के जो हालात है उसमें बड़ा सुधार आ जाएगा। लेकिन गांव वाले भी ये मानते हैं कि डॉक्टर इब्राहिम के लिए ये चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि वह झूठ को छोड़कर सच्चे वादे कर रहे हैं, जैसे सड़क, शिक्षा, अस्पताल, गांव को स्मार्ट बनाने जैसे सामाजिक मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वजहें तो बहुत सारी हैं। जब मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था, मैंने पीएचडी की, उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट भी किया। उसके बाद मेरे पास ऑफ़र था, सऊदी अरब का भी ऑफ़र था, अच्छा जॉब का। मेरे पास यूएसए से भी ऑफ़र था, तो वो ऑफ़र मैंने छोड़े और उसके बाद में मैंने यहाँ आने का प्लान बनाया। उसकी सिर्फ वजह ये थी, जब मैं देखता था दिल्ली की पढ़ाई, दिल्ली के अस्पताल, दिल्ली के रोड, हर सुविधा, और जब मैं अपने गांव में आके देखता था तो वो बिल्कुल अलग। गांव के रास्ते बेकार, ना लाइट आ रही है, ना स्कूलों की हालत अच्छी, ना अस्पतालों की हालत अच्छी। अस्पतालों में देखोगे तो डॉक्टर से नहीं है, स्कूल में देखोगे तो बच्चे नहीं जा रहे। हालांकि आबादी 20,000 की आबादी, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद रास्ते इतने ख़राब, स्कूलों की, अस्पतालों की, इनकी हालत देखी मैंने। मैंने मन में ये डिसाइड किया कि पहला मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने गांव को आगे बढ़ाऊं, और उसके बाद में मेरा कोई और प्लान हो तो वो करूं। पहले मेरा गांव है, इस गांव को मुझे आगे बढ़ाना है, इस गांव को आगे तरक्की दिलानी है और विकास के मोड़ पे लाना है और एक आदर्श गांव बनाना है। जिस तरीके से मैंने हमेशा पढ़ाई में नंबर एक आया, मेरा नंबर मतलब गोल्ड मेडलिस्ट रहा हमेशा, राष्ट्रपति जी से जैसे बताया इन्होंने, अवार्ड भी मिला मुझे, उपराष्ट्रपति जी से भी मिला। तो मेरा सिर्फ मकसद भी यही है, इस गांव में आने के बाद इस गांव को इतना आगे बढ़ाना है, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, एक एक योजनाओं को इस तरह से लागू कराना है ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा मिले। जैसे कि हमारे गांव में बहुत सारी परेशानियां हैं, लोगों के राशन कार्ड नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि जो गरीब लोग हैं उनके राशन कार्ड बने। बहुत सारे लोगों की छत नहीं है, जब गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि जो भी गरीब लोग हैं उनकी छत बने, सरकार पैसा दे रही है, तो मैं चाहता हूं उनकी छत बने। तो मेरे ये मुद्दे हैं कि जिन लोगों की जो समस्याएं हैं और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो वो स्कीम्स फुल तरीके से मैं लागू कराऊं अपने गांव में और गांव को एक मॉडल गांव बनाऊं, एक आदर्श गांव। अच्छा, हम भी जब इस गांव में एंटर हुए तो हमें भी यहाँ सड़कों में काफ़ी गंदगी, जल भराव की समस्या रही है। क्या पूर्ववर्ती जितने भी ग्राम प्रधान रहे हैं या प्रतिनिधि रहे हैं तो उन्होंने गाँव पर ध्यान नहीं दिया, या ऐसा क्या रहा जो गाँव ये आज तक वहीं उसी अंधकार में डूबा? देखिए, इसका एक सीधा सा मैं एक एग्जाम्पल ये दूंगा।